subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 2, वो भी साइकोलॉजी का, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके टैट और TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी जो मैट लिस्ट बनती है वो स्पेशली इसी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि बाकी सेक्शन तो आप कर लेते हैं बट इसमें जो है काफ़ी कम नंबर आते हैं। अगर आप 15-20 नंबर इसमें निकाल लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अच्छे जो है नंबर बन जाएंगे और आपका टैट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज न्यू मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। कल भी हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके साथ स्टडी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और हम आपको 5-10 सेकेंड देंगे, तो आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी बर्थ टू अबाउट 2 ईयर एज अ चाइल्ड लर्न बेस्ट, कि जब बच्चा 2 साल तक पहुंचता है यानी 0 to 2 तो वो सबसे ज़्यादा किस तरह से सीखता है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बाय यूजिंग द सेंसेस, बाय कंप्रीहेंसिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा आपके पास? जब बच्चा छोटा होता है तो और वो बोल तो नहीं सकता तो वो सबसे ज़्यादा सीखता है बाय द यूज ऑफ सेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास, इंटेलिजेंस टेस्ट इज यूजफुल फॉर नोइंग, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है यानी IQ टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल कहाँ है? आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जल्दी से इनका आंसर बताइए एंड इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो होगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी फील्ड्स में जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन इंडिविजिबल कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज, कि जो भी आपकी इंडिविजिबल कैपेसिटीज है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिवली तो वो किस चीज़ में जो है एक्सप्रेस होगी, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, इक्विलिब्रेशन में या मैच्योरेशन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपके पास? गाइस कमेंट कीजिए, कल भी मैंने देखा था कि कोई भी पर्सन कमेंट नहीं करता है, इट मीन कि आपको इनके आंसर नहीं आते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ओके, डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटिकली कंप्लीटेड इन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो फंडामेंटल वे में अगर आप देखोगे तो कहाँ पे कंप्लीट होती है? क्लासरूम, स्कूल, होम या सोसाइटी? एंड द राइट आंसर इज, डू इट फास्ट गाइस, क्लासरूम। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड, कि वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देता है? एंड द राइट आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट हमारे पास, प्राइमरी एजुकेशन हेल्प्स, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास, थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो वो कौन सी थ्योरी है जो कि केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है? तो वो कौन सी है आपके पास? बिहेवियर यानी बिहेवियर से रिलेटेड होगी, यानी थ्योरी ऑफ बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन है? पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या डीवे? एंड द राइट आंसर इज पियाजे। नेक्स्ट हमारे पास, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज,
कि जो इंडियन सोसाइटी है उसका मल्टीलिंगुअल करेक्टर कहाँ पे शो होता है सबसे ज़्यादा। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से इनके आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज, कि एक टीचर की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एंड द राइट आंसर इज अ गुड मोटिवेटर। नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में क्वेश्चनिंग होती है उसका क्या फ़ायदा है। ऑप्शंस हैं, इनके आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज क्लेरिफाई द सब्जेक्ट मटेरियल। अगर क्वेश्चनिंग होगी तो सबसे ज़्यादा मटेरियल का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। 12 पे हमारे पास, डायग्नोसिस ऑफ द गैप इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाई, कि जो डायग्नोसिस होती है और उनके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है तो वो किस चीज़ को फॉलो करता है। वो आपके पास फॉलो करता है अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजरमेंट को या मेज़र को। नेक्स्ट हमारे पास, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज, कि बच्चे के अंदर सबसे अच्छा मेथड कौन सा है जो कि स्टडी को ग्रोथ करता है एंड उसकी डेवलपमेंट करता है। एंड द राइट आंसर इज डेवलपमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेफिलोकेडम प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो गाइज, ये जो टर्म्स बीच में आती है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इनसे काफ़ी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपके पास सेफलोडोकोडम जो है वो प्रिंसिपल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास वो होगा डेवलपमेंट टू इज फ्रॉम हेड टू फुट। नेक्स्ट हमारे पास, बाइगोस्काई प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज, तो आपको पता है जो बाइगोस्काई का प्रिंसिपल था वो स्पेशली सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। इट मीन द राइट आंसर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास, गार्डनर फॉर्मुलेटेड अ लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंस। तो गैज, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि गार्डन के अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे 8% है, बट यहाँ पे जो है 7 दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे अगर आपको याद हो तो। तुम इनमें से कौन सी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एंड याद रखिए, गार्डन जी जो 8 इंटेलिजेंस दिए थे और यहाँ पे जो है केवल 7 है, तो आप याद रखिए कि उन्होंने 8 दिए थे। ओके, एंड इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, जो है वो उसमें ऐड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बींग इज रिलेटेड टू, अगर आप ह्यूमन बींग के बीच में डिटर्मिनेशन करेंगे उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को, तो वो किस चीज़ के बेसिस के ऊपर होगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है वो आपके पास होगा इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ फीचर ऑफ लर्निंग, कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर नहीं होती एज ए फीचर ऑफ लर्निंग। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, वो है इसका आंसर होगा आपके पास स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नवोदय स्कूल हैज़ बिन एस्टेब्लिश टू, कि जो आपके पास NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा नवोदय स्कूल्स खोले गए थे वो स्पेशली किसके लिए खोले गए थे। तो वो आपके पास खोले गए थे प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया, कि जो भी रूरल एरिया हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्निंग रेफर टू, कि जो ये वर्ड है आपके पास सेल्फ रेगुलेशन वो किस चीज़ को प्रेफर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो है देयर एबिलिटीज टू मोनिटर देयर ओन लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है।
इंक्लूसिव आपको पता होगा कि जिसमें हर एक बच्चा इकट्ठा होके पढ़ेगा, यानी सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर विविधता। नेक्स्ट हमारे पास, इफ अ चाइल्ड राइट 16 एज 61 एंड गेट कन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी, दिस इज केस ऑफ। तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो स्पेशली जो भी मेन प्रॉब्लम्स होती है यानी लर्निंग से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके पास डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेसिया हो गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो होगा लर्निंग डिसेबिलिटी। 23 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्टेड टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं तो कौन से जो ऑप्शन है वो गलत है इन केस ऑफ टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। ओके, एनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्टर एंड द प्रोसीजर, जो है ये प्रोसीजर गलत है फॉर रिफ्लेक्टिंग टीचिंग फॉर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर कौन सा है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो फीचर आपको यहाँ पे शो होगा वो है एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास, अ चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड टू यू स्कूल दैट बिलोंगिंग टू अ बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड फॉर कल्चर व्यू पॉइंट यू विल, कि अगर कोई बच्चा आपके स्कूल्स में एडमिशन ले रहा है जो कि बैकवर्ड फैमिली से है या बैकग्राउंड से है तो, और उसका कल्चर भी काफ़ी जो बैकवर्ड एरिया वाला है, तो आप क्या करोगे। तो नॉर्मल सी बात है, हम उसे प्रेरित करेंगे कि आप आइए अच्छे से पढ़िए, एंड द राइट आंसर इज कीप हिम इन नॉर्मल क्लास बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग हिम कीप हिज स्पेशल नीड इन व्यू, क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आया है कि उसे अभी कोई आइडिया नहीं होगा एजुकेशन का, इसीलिए थोड़ा सा उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, क्रिटिकल पैडागॉजी फॉर्मली बिहेव हैज, तो जो क्रिटिकल पैडागॉजी है उसका बिहेवियर कैसा है। तो उसका बिहेवियर आपके पास, द एक्सपीरियंस एंड द परसेप्शन ऑफ लर्निंग आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर checks whether the question test specific test objects he concern primarily about the question paper। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि जब कोई टीचर पेपर सेट करता है, whether the question test specific test objects, तो वो किस चीज़ को कंसर्न करेगा सबसे पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो होगा कंटेंट कवरेज, कि वो पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर NCF 2005 इज़ द क्रिएशन ऑफ, कि अगर जो NCF आपके पास आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती थी, उसका मेन एम क्या था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर होगा मल्टी लिंग्विज्म, यानी एक से ज़्यादा भाषाएं जो वहाँ पे पढ़ाई जा रही है ताकि वो एक दूसरे कंट्री में जाके भी सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, द पर्पज़ ऑफ इवेल्युएशन इज़ नॉट, कि यहाँ से इवेल्युएशन का पर्पज़ कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर इज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास MLL अप्रोचेज, आपके पास यहाँ पे एब्रिविएशन है, आपको इसकी फॉर्म बतानी है। तो MLL का क्या मीनिंग होगा आपके पास, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है। तो आई होप गाइस कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हुए होंगे, एंड आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।